हेलो एवरीवन, मैं राहुल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे स्टॉक मार्केट में शुरुआती हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। सो रूल नंबर वन, सबसे पहला प्रोसेस है डीमैट अकाउंट ओपन करने का, क्योंकि स्टॉक मार्केट की शुरुआत ही डीमैट अकाउंट की ओपनिंग से होती है। और डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर आप अपने शेयर्स, अपने बॉन्ड या अपनी इनटेंजिबल सिक्योरिटीज को आप स्टोर करते हैं। डीमैट अकाउंट एक टाइप का सेविंग अकाउंट है। जैसे हम लोग बैंक के अंदर पैसा रखते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट के अंदर हम अपने सारे शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं फॉर द लाइफ टाइम। और डीमैट अकाउंट का जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है, और गवर्नमेंट की दो ऑर्गेनाइजेशन है, NSDL एंड CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। एक है NSE के थ्रू प्रमोटेड और एक है आपका BSE के थ्रू प्रमोटेड। तो आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं उन सारे शेयर्स को स्टोर करने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है, यानी इंटेंजिबल सिक्योरिटीज को स्टोर करने का काम गवर्नमेंट करती है। दैट मींस स्टॉक मार्केट बहुत ही सेफ प्लेस है। तो ये रही आप लोगों के लिए डीमैट अकाउंट से जुड़ी हुई नॉर्मल से FAQs। और आपको ऐसे ही बेहतर नॉलेज की जरूरत है तो आप हमारे द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग उसका लिंक देख सकते हैं और शेयर, लाइक और कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं।